एवरीवन, वेलकम बैक टू मी चैनल। मैं हूं शुभ माली और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप घर में क्यूकुम्बर फेशियल कर सकते हैं। क्यूकुम्बर एक बहुत ही इफेक्टिव इंग्रेडिएंट है स्किन के लिए। ये स्किन को कूल रखता है, ब्राइट बनाता है, ग्लो करता है और ऑयली स्किन के लिए तो ये और भी अच्छा है, क्योंकि ऑयली स्किन में जो स्किन से ऑयल और सीबम सेक्रेशन होता है ये उसको रिड्यूस करता है और स्किन को एक नेचुरल ग्लो देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस फेशियल को। स्किन के लिए क्यूकुम्बर एक बहुत ही इफेक्टिव इंग्रेडिएंट है। इसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है जिसे हम विटामिन सी के नाम से जानते हैं। ये स्किन से इरिटेशन को दूर करता है, सोइलिंग को रिड्यूस करता है और स्किन को कूल रखता है। स्किन से सनटैन को रिमूव करते हैं, स्किन को स्पॉटलेस बनाते हैं और स्किन कॉम्प्लेक्शन को एनहेंस करने में भी बहुत हेल्प करता है। क्यूकुम्बर फेस क्लींजर बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में मुझे लेना होगा क्यूकुम्बर जूस, उसके साथ मुझे ऐड करना है लेमन, अब इस मिक्सचर से फेस को क्लीन करना है 2 मिनट तक एक कॉटन के थ्रू। ये क्लींजर आपके स्किन में जितने भी डर्ट्स, पॉल्यूशन या ऑयल सीबम है उसको खींच निकालेगा और स्किन को डीप क्लीन करने में हेल्प करेगा। फेस स्क्रब और फेस मसाज, ये दोनों चीज़ें मैं एक ही स्टेप में करूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे लेना है राइस फ्लावर और उसके साथ मैं ऐड करूँगी क्यूकुम्बर जूस। क्यूकुम्बर जूस हमें उतना ही लेना है जितना कि एक थिक पैक बनाने के लिए ज़रूरत है। इस पैक से अपने फेस को स्क्रब करना है 5 मिनट के लिए और उसके बाद प्लेन वाटर से फेस को धो लीजिए। ये स्क्रब स्किन से डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए हेल्प करेगा और स्किन के जो पोर्स है उसके अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ जमा हो जाते हैं तो उसको भी खींच निकालेगा और ओपन लार्ज पोर्स को भी श्रिंक करने में मदद करेगा। क्यूकुम्बर फेस मास्क बनाने के लिए मुझे चाहिए व्हाइट सैंडलवुड पाउडर और क्यूकुम्बर का पेस्ट। एक ब्लेंडर की मदद से मैंने क्यूकुम्बर का अच्छे से एक पेस्ट बना लिया है। अभी इन दोनों चीज़ों को एक साथ मिक्स करना है। अभी इसे फेस में अप्लाई करना है एक मेकअप ब्रश के थ्रू। उसके बाद 15 मिनट्स के लिए इसे स्किन पे ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद प्लेन वाटर से अपने फेस को वॉश कर लीजिए। ये स्किन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा, स्किन को टाइट रखने में हेल्प करेगा और चंदन पाउडर जो कि स्किन कॉम्प्लेक्शन को लाइटन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है, ये आपके स्किन टोन को एनहेंस करने में मदद करेगा। और उसके बाद आपका जो डेली मॉइस्चराइज़र है वो अप्लाई कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और आगे से और भी अच्छे अच्छे ब्यूटी टिप्स के वीडियो के लिए प्लीज़ फॉलो करते रहिए मेरे इस चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।